हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के वाई बैट होप यू आल आर डूइंग वेल फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द सी डी एन ए सिंथेसिस हाउ टू परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ सी डी एन ए सिंथेसिस आर एन ए आइसोलेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आर एन ए किट के बारे में मैंने बताया है फुल डिटेल है उसके बारे में किट हमें कैसे यूज करना है हाउ टू आइसोलेट आर एन ए फ्राम द फ्रॉम द प्लांट तो आर निकालने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा आता है सी डी एन ए सिंथेसिस जो कि बहुत क्रूशियल स्टेप है हम ऐसा इसलिए करते हैं कि आर हमारा बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है काफ़ी दिन तक हम कोई स्टोर नहीं कर सकते हैं तो जैसे ही आप आर को आइसोलेट कर लीजिए तुरंत क्वांटिफिकेशन करने के बाद आपको सी डी एन ए में उसको कन्वर्ट कर लेना है तो हम इसको काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सी डी एन ए में तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सी डी एन ए सिंथेसिस बाई यूजिंग इनविट्रोजिन वाइलो सुपर स्क्रिप्ट सी डी एन ए सिंथेसिस किट पूरा डिटेल हम आपको दिखाएंगे किट के बारे में बताएंगे और मेन होता है हमारा इसमें कैलकुलेशन हमें आर एन ए कितना लेना है मास्टर मिस कितना लेना है एंजाइम मिस कितना लेना है कितने माइक्यूटर की हमको रिएक्शन पुटअप करना चाहिए रिएक्शन को परफॉर्म कैसे करना चाहिए कंटामिनेशन जिससे बिल्कुल ना आए तो बने रहिए इस वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए दिस इज इनवेट्रोजिन सुपर स्क्रिप्ट वाइलोसियर बाई फिशर साइंटिफिक कास्ट इज फिफ्टी थ्री थाउजेंड इट हैज द हाई टेम्परेचर कैबिलिटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें आपको दो वायल देखने को मिलेगी एक ब्लू कलर की वायल है और एक ब्लैक कलर की वायल है दो वायल मिलेगा ये जो ब्लू कलर की वायल है ये फाइव एक्स रिएक्शन मिक्स है इसमें जो है रैंडम प्राइमर होता है एम होता है डी होता है इन्हें वफर फार्मुलेशन में इसका जो वॉल्यूम है वो टू हंड्रेड है ओके सेकेंड वायल जो ब्लैक कलर की है वो है हमारा मेन टेन एक सुपर स्क्रिप्ट एंजाइम मिक्स जो जो कि इसमें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है आर आउट है रिकम्बिनेट रिकम्बिनेट डाइबो न्यूक्लियस इनिवेटर पाया जाता है इसका वॉल्यूम जो है 100 माइक्रोलीटर है ये दो किट आपके साथ मिलता है इसको हमें सेफली माइनस ट्वेंटी में रखना ज़्यादा देर तक हमें सो फ्रेंड्स इन द प्रोसेस ऑफ सी डी एन ए सिंथेसिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कैलकुलेशन कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना है हमारा आर एन ए की ईल्ड कितना है नैनोग्राम में है उसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है और हमें आर एन ए कितने माइक्रोलीटर लेना है और रिएक्शन मिक्स हमें कितना लेना है एंजाइम मिक्स कितना लेना है टोटल हमारा इतना टोटल कितना होगा फिर हमें वाटर कितना ऐड करना है टू मेक द वॉल्यूम अप टू 20 माइक्रो लीटर तो डिटेल में हम बात करते हैं सपोज अगर आप आपके पास सिक्स आर है ये ठीक है सिक्स सैंपल आपने आइसोलेट किया है और ईच सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ नैनोग्राम में यहाँ पे आपको मिला है आफ्टर रीडिंग एट द नाइनो पे ये इतना इतना नैनोग्राम आपको यहाँ पे मिला है यू हैव टू कन्वर्ट दिसक्रोग्राम ओके दिसम माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर ओके तो सेवन सेवन सिक्स सिक्स बिकम जीरो पॉइंट सेवन सिक्स सिक्स माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर ऐसे ये सिक्स का कैलकुलेशन हम कर लेंगे एक्सेल में करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा ये हमारा हो गया आरण्य की कॉन्सेंट्रेशन माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर तो हमें क्या सी डी एन एस सिंथेसिस किट में ऑलरेडी मेंशन है कि हमको टू माइक्रोग्राम आर एन ए लेना है फॉर ईच रिएक्शन तो टू माइक्रोग्राम के लिए इसको हम ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको डिवाइडेड डिवाइडेड दिस मच ओके तो इतना आ जाएगा आपका वैल्यू ओके सेम को ऐसे करना है टू डिडेड बाई दिस मच अगेन टू डिवाइडेड बाई वन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स ओके माइक्रोग्राम तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा तो so, आपको इतना सपोज वन में आपको 2.61 लेना है, फॉर टू माइक्रोग्राम फाइनल कंसेंट्रेशन हो जाएगी सेम ऐसा ही सिंपल टू के लिए 2.10 पॉइंट वन जीरो माइक्रो लीटर लेना है एंड सेम uh, ऐसा थ्री के लिए भी है 1.64 पॉइंट सिक्स फोर माइक्रो लीटर लेना है ओके सेम ऐसा फोर के लिए 1.23 सेम ऐसा फाइव के लिए 2.94 सेम ऐसा सिक्स के लिए है 1.6 माइक्रोलीटर हमें लेना है फॉर ईच रिएक्शन अब रिएक्शन में जो सीडीएनए के साथ रिएक्शन मिक्स सारा है मिक्स आ रहा है उसमें ऑलरेडी आपको 4 माइक्रोलीटर लेना है फॉर 20 माइक्रो रिएक्शन ऑलरेडी मैंने किट में बता दिया है और एंजाइम मिक्स जो हमारा रहेगा वो 2 माइक्रोलीटर फार वन रिएक्शन ओके एक रिएक्शन में हमको टू माइक्रो डालना है तो ये दोनों फोर प्लस सिक्स फोर प्लस टू ये हो जाएगा सिक्स सिक्स प्लस टू पॉइंट सिक्स एट पॉइंट सिक्स वन यहाँ पे देखिए ये तीनों को प्लस करेंगे ए बी सी ए बी सी को प्लस करेंगे तो एट पॉइंट सिक्स वन यहाँ आएगा एट पॉइंट वन जीरो आएगा सेवन पॉइंट फोर सिक्स आएगा सेवन पॉइंट टू थ्री एट पॉइंट नाइन फोर सेवन पॉइंट सिक्स एट टोटल वॉल्यूम हो गया प्लस हमें कितना चाहिए ट्वेंटी माइक्रोलीटर की रिएक्शन लगानी है हमें ओके okay? तो ट्वेंटी माइनस दिस करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इलेवन पॉइंट थ्री नाइन इतना वाटर ये सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इंडिविजुअल अलग अलग तो सिक्स सैंपल का ईच सैंपल में हमें फर्स्ट सैंपल में इतना वाटर डालना है सेकेंड में इतना थर्ड में इतना फोर्थ में इतना फिफ्थ में इतना सिक्स में इतना ये तो हो गई सिंपल सी कैलकुलेशन एक्सेल में आप कैलकुलेशन करिए अगर आप, आपके पास नंबर आप, ज़्यादा है अगर आप, इन विट्रोजन वैल्यू सी डी यूज कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आपके काफी हेल्प रहेगा कैलकुलेशन हमें अच्छे से करना है और पाइपेटिक में बहुत अच्छे से करना है चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमें सीडियन सिंथेसिस करना कैसे है पूरा प्रैक्टिकल डेमो करके हम दिखाएंगे फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सिंथेसिस रिएक्शन उसके लिए हमें सिक्स जो है सिक्स रिएक्शन लगाना है हमें सिक्स पीसीआर ट्यूब चाहिए हमें छोटा ट्यूब होता है नीयर अबाउट टू हंड्रेड माइक्रोलीटर की कैपेसिटी होती है इसको हम एक स्टैंड में अच्छे से अरेंज करके और इसकी लेबलिंग कर लेंगे फ्रॉम वन टू तो सिक्स और रिएक्शन हमें मिनी कूलर में लगाना है इसकी नंबरिंग करने के बाद इसको हम ये मीनी कूलर में रख देंगे जो माइनस ट्वेंटी मेनटेन करता है ठीक है क्योंकि हमारा जो है स्टेबिलिटी देगा ये ये हमने अरेंज कर लिया अब हम इसमें हम ऐड करेंगे रिएक्शन कम है इसीलिए हम कॉकटेल नहीं बना रहे हैं मास्टर मिक्स नहीं बना रहे हैं अब इसमें हम 5x एक्स वाइलो रिएक्शन मिक्सचर ऐड करेंगे जो कि 200 हंड्रेड है एंड फार टू पुट अप द 20 माइक्रोलीटर रिएक्शन ये 5x है हम इसमें से 4 माइक्रोलीटर लेके सब ट्यूब में डाल देंगे पाइपेटिंग हमें बहुत अच्छे से करना है और इसको हमें माइनस ट्वेंटी में हमेशा रखना होता है इसीलिए अच्छे से हम इसको थॉ कर लेंगे और सारा रिएक्शन हम आइस में रखेंगे दोनों आरने को भी और दोनों ट्यूब को भी आइस में रखेंगे पाइपेट को हम फोर डिग्री पे सेट करेंगे और सिक्स ट्यूब में हम केयरफुल्ली जो है फोर फोर माइक्योलीटर हम इसमें डाल देंगे ये देखिए हमने फोर माइक्योलीटर सक किया और हम ट्यूब नंबर वन में डालेंगे बहुत ही केयरफुली डालना है वाल पर डालना है हमें और ऐसे ऐसे करके हम वन टू सिक्स तक हम डाल लेंगे नेक्स्ट हम जो हमारा है टेन एक्स सुपर स्कीट एंजाइम मिक्स है वो जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर एन एच आउट एंड रिकम्बिनेंट रेबो न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम टू माइक्रोलीटर ईच ट्यूब में हम डालेंगे फ्रॉम वन टू सिक्स बहुत केयरफुली पाइपेटिंग करना है ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए तो पाइपेट को बहुत ज़्यादा अंडर डिप नहीं करना है सोल्यूशन में ऊपर ही रख के हमें पाइपेटिंग करना है ये हम सिक्स में हम डाल चुके हैं अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट में हम बिल्कुल डालेंगे हमारा आर एन ए कैलकुलेशन के गार्डिंग कैलकुलेशन हमने आपको पहले ही बता दिया है ओके ये हम डालेंगे हम वाटर डाल रहे हैं टू मेक द वॉल्यूम ट्वेंटी माइक्रोलीटर कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से हम फ्रॉम टू वन टू सिक्स हम इसे हम वाटर हम ऐड कर देंगे बहुत ही केयरफुल्ली हमें करना है विदाउट एनी कंटामिनेशन ध्यान दीजिए इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए ये है वाटर हमारा हमने ऐड कर दिया है डी पी सी ट्यूटेड वाटर है ये अब हम आर आरएनए डालेंगे जो हमारा कैलकुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग फ्रॉम वन टू सिक्स हम पाइपेट से पाइपटिंग हमें बहुत ही केयरफुल्ली करना है इसमें ध्यान दीजिए पाइपेटिंग का ही मेन खेल है इसमें सी डी एन इवन रियल टाइम पी सी आर में भी हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हमें नहीं सक करना है डबल प्रेस पाइपेट को बिल्कुल नहीं करना है सिंगल प्रेस को इसको हम बिल्कुल सोलूशन में बॉटम में हम कई बार हम मिक्स कर देंगे तो हमारा जो ऑलरेडी सोल्यूशन है वाटर बफर इसमें मिक्स हो जाएगा ओके तो ये हमने आर एन ए अच्छे से डाल दिया अब इसको हम अच्छे से स्पिन दे लेंगे ओके स्पिन देने के बाद फिर हम जाएंगे थर्मल साइकलर में इसकी प्रोग्राम हमने ऑलरेडी बना रखा है प्रोग्राम हम चल के आपको दिखाते हैं ये हमने आर एन ए सब में डाल दिया है और तुरंत आर एन ए को हम माइनस ट्वेंटी में रख देंगे ज़्यादा देर तक बाहर नहीं छोड़ते ट्यूब को बंद करके हम इसको स्पिन इस दे देंगे अब चलते हैं हम थर्मल साइकिलर की तरफ जहाँ पे हमने ऑलरेडी पी सी आर सेट कर रखा है कंडीशन ये देखिए कंडीशन सेट रखा है ट्वेंटी फाइव डिग्री पे टेन मिनट के लिए फोर्टी टू डिग्री पे वन आवर्स के लिए मतलब सिक्सटी मिनट के लिए एंड एट्टी फाइव पे फाइव मिनट के लिए जो हमारा रिएक्शन uh, को टर्मिनेट करेगा एट्टी फाइव पे फोर्टी टू हमारा सी डी एन ए की सिंथेसिस होगी ओके और ट्वेंटी फाइव पे हम इनिशियल टेम्परेचर देंगे अब हम इस लीड uh, को ओपन करेंगे और सिक्स ट्यूब को हम इसमें अच्छे से प्लेस कर देंगे ट्यूब को अच्छे से स्पिन करना है हमें क्योंकि ये प्रोग्राम लगभग चलेगा हमारा वन एंड हाफ़ लगभग नीयर अबाउट एक घंटा जो है पंद्रह मिनट का ये प्रोग्राम है फोर्टी टू डिग्री से पे हमारा ये सी डी की सिंथेसिस होगी अब इसको हम लीड को अच्छे से हमें कवर कर देना है और प्रोग्राम को हमें रन कर देना है आप प्रोग्राम एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से देख लीजिए ये प्रोग्राम है ये और इसको स्टार्ट करना है स्टार्ट करने पर हमें वॉल्यूम पूछता है वॉल्यूम हम ट्वेंटी माइव यहाँ पे इंटर करके ओके okay कर देंगे ये हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो गया हमारा सेंसेसिस स्टार्ट हो जाएगी सी डी एन ए की एक घंटा पंद्रह मिनट में हमारा हो जाएगा अभी देखिए ये टेम्परेचर होल्ड पे आ गया है फोर्थ डिग्री पे इसको हम क्लोज कर देंगे ट्यूब को हम निकाल लेंगे अब आपके हाथ में जो है फाइनली आपका सी डी एन ए है वो इसको आप इल्ड को नाइन ड्रॉप पे चेक कर सकते हो और केयरफुल्ली आपको इसको माइनस ट्वेंटी में रखना है टू कन्फार्म द रियल टाइम पी सी आर क्वान्टिटी रियल टाइम पी सी आर के लिए आपको इसको फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको इसमें आपने देखा हमें सी डी एन ए सिंथेसिस कैसे करना है किट के बारे में आपने देखा आर एन ए कैलकुलेशन में देगा कैलकुलेशन के बारे में आपने देखा कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है कितने माइक्रोलीटर में आर एन ए लेना है मास्टर मिक्स कैसे बनाना है हमें रिएक्शन मिक्स कैसे बनाना है ठीक है विदाउट एनी कंटामिनेशन हमें रिएक्शन परफॉर्म कैसे करना है पी सी आर कंडीशन आपने पूरा डिटेल देखा सी डी एन ए के लिए कौन सा हम पी सी आर कंडीशन रखते हैं और रिएक्शन कम्प्लीट होने के बाद आपको इसको माइनस ट्वेंटी में रखना है रियल टाइम के बारे में बात करता हूँ रियल टाइम का ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है आप लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके वहाँ पर डिटेल देख सकते हैं पीसीआर मशीन के बारे में बताया है मैंने रियल टाइम पीसीआर मशीन के बारे में बताया है रिएक्शन कैसे सेटअप करते हैं कैलकुलेशन का ऑलरेडी वीडियो चैनल पे है वो भी आप देख सकते हैं कि आपका रिएक्शन परफॉर्म होने के बाद कैलकुलेशन एंड कैसे की जाती है ओके तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच